चमकते हुए गहने पहन के उसे शीशे में खुद को निहार के नजर उतारने की आदत पड़ जाती है, जो स्त्री नित्यम ज्वेलर्स जाती है। नित्यम ज्वेलर्स आपको देते हैं 22 कैरेट हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, जिसमें है 91.6% सोने की शुद्धता। यहाँ आपको मिलेगी लाइट वेट ज्वेलरी की नई रेंज, प्रमाणित हीरों के आभूषण, एंटीक ज्वेलरी से लेकर लेटेस्ट डिजाइन के आभूषणों की आकर्षक रेंज, राजपूती गहने, आड़, ठूसी, पोची, बाजूबंद। नित्यम ज्वेलर्स पर आपको मिलेंगी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से सोने की जांच सुविधा। यहाँ सभी आइटम्स की बिलिंग नेट वेट पर की जाती है, जिसका भुगतान आप नकद में, डेबिट कार्ड से या पेटीएम से भी कर सकते हैं। नित्यम ज्वेलर्स, शांति टावर, साधुल सिंह सर्किल के पास, पब्लिक पार्क, बीकानेर। नित्यम ज्वेलर्स, गहने जो पीढ़ियों तक साथ चले, परिवार की शान बने। कली ब्यूटी पार्लर, महिलाओं के लिए सभी तरह की ब्यूटी सर्विसेज का वाजिब दामों पर समाधान। यहाँ ट्रेन्ड स्टाफ द्वारा ब्यूटी सर्विसेज जैसे थ्रेडिंग, ब्लीच वैक्स, मिल्क वैक्स, चॉकलेट वैक्स, एलोवेरा वैक्स, पीका वैक्स, रोल ऑन वैक्स, सभी तरह का हेयर कट, मिनीक्योर, पेडिक्योर, सभी तरह के ब्रांडेड फेशियल्स दी जाती है। और इसके अलावा कली ब्यूटी पार्लर ब्राइडल मेकअप के लिए स्पेशलिस्ट है। क्लीन अप, हेयर कलर, शैम्पू, हेयर स्पा, हेड मसाज, टेम्पररी और परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग, बेबी मसाज है। आधुनिक सुविधाएं होने के साथ साथ पार्लर पूरा वातानुकूलित है। कुछ सीमित समय के लिए कस्टमर्स को 30% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। हमारे यहाँ शादियों में मेहंदी कार्य की सुविधा भी उपलब्ध है। आपकी खूबसूरती को निखारने का एक मौका हमें अवश्य दें, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कली ब्यूटी पार्लर, 19 सादुल कॉलोनी, यदु बुक सेंटर के पास, बीकानेर। फोन नंबर 9119254055। Are you looking for a school with quality education and spirit of sports? Then pick out Saint Vivekanand Senior Secondary School, affiliated to CBSE. The best school for science, arts and commerce since 1990. Admissions open from class nursery to 12th. Excellent results in board exams and competitions like JEE Mains and NEET. Resourceful library, yoga, meditation and music class. And now, Saint Vivekanand Senior Secondary School proudly announces the opening of Sports Academy. Table tennis coach, Mr. Lalit Bittu. Skating coach, Mr. Yogesh Khatri. Kudo mixed and martial art, Mr. Pritham Sen. Now learning is cool. Saint Vivekanand Senior Secondary School, Murti Chauraha, 3E Jainarayan Vyas Colony, Bikaner. For more inquiry, contact 0151-223-1906 or 93514-59173. Email stvivekanand@yahoo.com. आपका एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टे शुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल को बुलाया विधानसभा क्षेत्र में, विरोध का सामना करना पड़ा, उन्होंने दिखाई कालिश। डड्डू के चौक में निराले बाबा करेंगे यज्ञ बैनर का किया भी। सीकर के रोहतक क्षेत्र में विवाहिता के अपहरण के बाद में लोगों में आक्रोश, भारतीय युवा मोर्चा युवा संसद के प्रतिनिधि सुरेंद्र शेखावत ने की फैसला। गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में मसीह आराधना में लगा मेडिकल चेक कैंप। और सर्किट हाउस की दीवारों पर राजस्थानी लोक संस्कृति के चित्र दिए जा रहे हैं। बीकानेर के काम पार्क में पत्रकारों ने सीवेज के पानी फैल जाने से एलिगेशन। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के नामांकन में खामियों को लेकर के कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठ ने रखी पत्रकार वार्ता।
आईपीएल पर सट्टा लगाते हुए सटोरियों को किया गिरफ्तार, लाखों का ऐसा बरामद, अल्पुनिया सिंह की बात। और राइट स्टेप की मैनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र स्वामी मेरे अध्यात्मिक गुरु रामेश्वर। सबसे पहले तो करते हैं लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आना जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन राम मेघवाल को कई जगह पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आज उनके जनसंपर्क के दौरान कोराई क्षेत्र में कई लोगों ने काले झंडे दिखाकर किया और उनके प्रति अपना विरोध जताया। आइए हम आपको दिखाते हैं कोराई क्षेत्र में कैसे अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे लोगों से संपर्क करने के लिए, वहीं कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाकर नारेबाजी करते हुए उनका विरोध किया। आध्यात्मिक गुरु निराली बाबा बीकानेर में हैं। बीकानेर में वे कल गद्दों के चौक में यज्ञ भी करेंगे। यज्ञ खासतौर से विश्व कल्याण के लिए होगा। कुल मिलाकर के इस यज्ञ में उनकी सहभागिता होगी और उस यज्ञ को लेकर के एक बैनर का लोकार्पण निराली बाबा ने किया। दिखाते हैं आपको इस पोस्टर विमोचन के संपादित अंश। हमने निराली बाबा से की बात द्वारा श्री 108 कुंडी जो कि बीकानेर के इतिहास के अंदर प्रथम बार आयोजन करने का निश्चय किया है। उसके अंदर सभी वक्ताओं से मैं यही संदेश देना चाहूँगा, इस महायज्ञ के आयोजन के अंदर हमारी राजेश्वरी पद्मावती माता देवी जो कि रिद्धि सिद्धि समृद्धि की दात्री तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में सीकर के दूध क्षेत्र में 3 दिन पहले एक विवाहिता के अपहरण के बाद में अब तक सुराग नहीं लगा है, लिहाजा लोगों में आक्रोश फैलने लगा है। कुल मिलाकर के बड़ी संख्या में लोग इसे प्रशासन सरकार की नाकामी बता रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा युवा सांसद के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह शेखावत ने एक पत्रकार वार्ता रखी। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। आइए हम आपको दिखाते हैं सुरेंद्र सिंह शेखावत की इस पत्रकार वार्ता के संपादित अंश। बेखौफ होकर और बारात से उठा कर ले जाते हैं और उस घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी सीकर जिले की पुलिस नाकाम है, अभी तक मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं कर पान में बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है। आप सीकर की घटना का तो एक उदाहरण है, झुंझुनू में इसी तरह की घटना हुई, विवाहित महिला को गुंडे उठा कर ले गए और कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे बीकानेर जिले की बात करें तो कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री के पुत्र और अपने आप को अशोक गहलोत के नजदीकी कहने वाले नोखा के चेयरमैन उनके घर में। पत्रकार वार्ता के पश्चात हमने सुरेंद्र शेखावत से की बातचीत और जानने की कोशिश की पूरा मामला क्या है। दो तहसील में एक विवाहित महिला को गुंडे हथियारों के दम पर उठाकर ले गए, राज्य में ये 70 सालों में पहली घटना है। 3 दिन बीत जाने के बाद में भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री का जिम्मा जो संभाल रहे हैं उनके पास ही गृह मंत्रालय है, वो अपने बेटे का वैभव बचाने में जुटे हैं और राज्य में बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है। 3 दिन से पीड़ित परिवार के लोग धरने पर बैठे हैं, अभी तक कोई पुलिस मुलजिमों को नहीं पकड़ पा रही है। ऐसा लगता है कि राज्य में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। मैं प्रेस के माध्यम से कहना चाहूँगा कि तुरंत इस पर एक्शन लिया जाए, अन्यथा पूरे राजस्थान में आंदोलन। गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में शनिवार को मसीही आराधनालय में एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया और मेडिकल चेकअप कैंप में बड़ी संख्या में लोगों ने न केवल लाभ लिया बल्कि यहां पर डॉक्टर्स की टीम ने उनका मेडिकल चेकअप किया। आइए हम आपको ले चलते हैं मसीही आराधना। के
कैंप की आयोजक से इस बाबत हमने की बातचीत। आज हमने यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया था मसीह समाज के लिए और पूरा फ्री ऑफ चेकअप यहाँ पर हो रहा था। ब्लड टेस्ट, वेट और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर अलग अलग डॉक्टर्स हमारे मध्य में आए हुए हैं। सर्जन हैं, डेंटिस्ट हैं, न्यूरो हैं, गायनेक हैं और इन सब ने अपना अपना पार्ट फ्री में दिया है। बीकानेर के नामी गिरामी जो डॉक्टर्स हैं वो भी आए हुए थे हमारे मध्य में। रतलाम के डॉक्टर एस बेंजामिन भी हमारे मध्य में थे। बीकानेर के सर्किट हाउस की दीवारों पर आपको नैनाग्राम चित्र दिखाई देंगे। इन दिनों चित्रकारी के जरिए राजस्थानी लोक कला और राजस्थानी लोक संस्कृति को दिखाया जा रहा है। इन चित्रों के जरिए यहाँ के जनजीवन को भी दिखाया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं दीवारों पर उकेरे गए इन तमाम नैनाग्राम चित्र। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल बस एक छोटे से ब्रेक। We INIFD, the cradle of designers, Gurukul Bikaner, provide you with unique learning process. We have a global reach with 100 plus centers of learning across the world. That is India, New York, Los Angeles, Singapore, Indonesia, Paris, Toronto, Melbourne, Dubai, Chicago, Nepal, Dhaka. Here at INIFD, we provide you three different courses. Dress designing and stitching, women, dress designing and stitching, kids, fabric augmentation techniques. We have Mr. Manish Malhotra and Mrs. Twinkle Khanna as the chief mentor of our INIFD. During Lakme Fashion Week, we INIFDians have our exclusive show in which Mr. Ashley Ribello, fashion stylist, is the mentor to our sisters in designing quality syllabus. We also organize commercial training for our students. Admissions for new session 2019 are open. INIFD, Gurukul Bikaner, first floor Lakshya Complex, near Rajvilas Hotel, Rathkhana Road, Bikaner. For more details, contact us on 8290987380. INIFD, where you are one step closer to your dream. Pihu ka sapna gymnast banne ka tha, lekin usne khud ko samjhaya ki har sapna pura thodi na hota hai. Vihan, cricket ka deewana number one. लेकिन स्कूल टीम में हमेशा नंबर 12। जब बच्चों के सपने टूटते हैं तो माँ का दिल भी टूटता है। इसीलिए अपनाइए माँ को रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। इसमें है पूफा जो मेंटेन करे हार्ट हेल्थ और विटामिन ए और डी जो बनाए आंखें तंदुरुस्त और हड्डियाँ मजबूत। बच्चों को उनके सपने पूरे करने के लिए फ्यूचर फिट बनाएं। महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, फिट है तो फ्यूचर है। का एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है। तो लें राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपनी प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर। आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीकानेर में पत्रकारों के लिए क्राउन पार्क जगह प्रशासन ने अलॉट की है, लेकिन इन दिनों सीवेज का गंदा पानी क्राउन पार्क के अंदर बिखर रहा है और यही कारण है कि पत्रकारों के लिए बैठने की समस्या खड़ी हो गई है। पिछले 5 दिनों से पत्रकार इस बात की गुहार कर रहे हैं और उसे जानकारी भी दे रहे हैं कि कैसे सीवेज का गंदा पानी पार्क में फैल रहा है। अभी तक उसका निराकरण और निस्तारण नहीं होने से पत्रकारों ने भी जो है वो रोष देखा गया। पूरा मामला क्या है और किस तरह से इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, हमने बीकानेर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष जय नारायण बिस्सा से इस बाबत की बातचीत पर जानने की कोशिश की। पहले भी इस प्रकार की स्थिति यहां पैदा हुई थी, तब जिला कलेक्टर और न्यास अधिकारियों को सूचित किया था, उसके बाद साफ सफाई का काम हुआ। पिछले 3 दिनों से प्रेस क्लब के पदाधिकारी भी और मैंने भी व्यक्तिगत रूप से आयुक्त को इस संदर्भ में अवगत कराया है। आयुक्त ने ये बात कही है कि भाई
पीछे जो नाले डटे हुए थे उनकी सफाई करवा दी गई है। आगामी 2-3 घंटों में क्राउन पार्क की भी सफाई करवा दी जाएगी। लेकिन लगातार 3 दिनों से जब आयुक्त को इस बात की जानकारी होने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, तो इससे यह साफ जाहिर होता है कि किस प्रकार नगर निगम के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह काम कर रहे हैं। जब कलम के धनी लोगों की भी बात को उनको सुनने का समय नहीं है, तो वहीं इस मौके पर हमने अरविंद व्यास से भी बातचीत जो है गंदगी के लिहाज से कहीं ना कहीं दावे खूब किए जाते हैं। स्वच्छता रैंकिंग को लेकर भी नगर निगम केवल पोस्टरों तक काम करता है और इतिश्री कर लेता है। पूरे शहर में जो गंदगी का आलम है वो इस बात का संकेत देता है कि बीकानेर के जिला कलेक्टर के रूप में कुमार पाल गौतम ने जब जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने भी शहर का राउंड लगाया, लगातार राउंड लगाया, और उसके बाद में खुद उन्होंने भी महसूस किया कि बीकानेर में गंदगी का आलम जो है, सफाई व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। लगता ही नहीं है कि शहर में कुछ सफाई नाम की व्यवस्था भी है। और नगर निगम की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ महज खाना पूर्ति के लिए बना हुआ है, कोई भी सरोकार उसको शहर की सफाई से नहीं है। और जिस जगह पे हम अभी खड़े हैं, मेरे ठीक पीछे ये क्राउन पार्क है जो बीकानेर जिला कलेक्टर ने पत्रकारों को रचनात्मक कार्यों के लिए कहीं ना कहीं गोद दिया था, लेकिन इसकी हालत आप देख सकते हैं, पूरी तरह से नगर निगम जो है वो नकारा है और बार बार सिर्फ और सिर्फ जिला कलेक्टर पर आस टिक जाती है, जो कि सही नहीं है। क्योंकि निगम जो है खुद अलग संस्था है, वहाँ जिम्मेदार प्रशासनिक तौर पर प्रशासन आयुक्त है, जो IAS बैठते हैं, महापौर बैठते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि सिस्टम नाम की कोई चीज बीकानेर नगर निगम में, और उसी का खामियाजा है। पूरा शहर जहाँ गंदगी और बदबू से अटा रहता है, वहीं शहर में जिला कलेक्टर कार्यालय के ठीक सामने ये VIP जोन है बीकानेर। बीकानेर में भी IPL पर सट्टा लगाने वाले कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पुलिस दबिश देकर के इन सटोरियों को गिरफ्तार भी कर रही है, लाखों का लेन देन और साथ भी पकड़ रही है, लेकिन सटोरिये भी कहीं बाज नहीं आ रहे। कोर्टगेट पुलिस ने एक बड़ी सफलता हाथ लगते हुए ऐसे ही IPL पर सट्टा लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और कईयों को गिरफ्तार किया। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कोर्टगेट पुलिस थाने के द्वारा यह कामयाबी हासिल की गई। सटोरियों को गिरफ्तार करने के साथ लाखों रुपए का हिसाब भी मिला। हमने बातचीत की, पूरी जानकारी के लिए कोर्टगेट के थाना अधिकारी धर्म पुनिया से। लक्ष्मी प्लाजा है जिसमें सेकंड फ्लोर पर एक राकेश की दुकान है। उस राकेश की दुकान में वो NCDX का काम करता है। कल NCDX की छुट्टी थी, इसके बावजूद रात को 10 बजे सूचना मिली कि राकेश LC लाइन पर लाइन लेकर और ये क्रिकेट बुकी का IPL की क्रिकेट बुकी का काम करता है, जिस पर इसको रेड दी गई। तो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स और लाखों का हिसाब किताब और नकदी मिला, जिस पर इसके लाकर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई। पूर्व में ये किसी तरह से कर रहा था क्या? बिल्कुल, पूर्व में भी इसके खिलाफ जुआ सट्टे के मुकदमे हैं ये, और क्रिकेट शहर का नाम ही क्रिकेट बुकी है। सर, ये कौन से मैच पर सट्टा लगा रहा था, किस बीच? ये कल जो IPL का मैच हो रहा था उस पे, कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स का जो मैच। क्या ये कोई गैंग में और बड़े कोई इसके लिंक है इसके कुछ? इन्होंने लाइन लेकर लेते हैं, लाइन LC लाइन की जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन ये लाइन प्राप्त करते हैं, और ये एक नया तरीके का जो है इन्होंने सेटअप किया है। पहले टेलीफोन लाइन से होता था, अब LC लाइन से होता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के नामांकन के बाद में कांग्रेस के विधि प्रकोष के द्वारा उनके नामांकन में जो खामियां रह गई थी उसे पत्रकारों के समक्ष रखा। पत्रकार वार्ता के दौरान विधि प्रकोष के तमाम लोगों ने इस बात की जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन में कितनी खामियां रही। आइए हम आपको दिखाते हैं विधि प्रकोष के इस पत्रकार वार्ता की कुल संपादित। कुछ उपाय कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए हमने ये कार्रवाई की है। एनी क्वेश्चन? ऐसी कानून लड़ाई है, ऐसी बात है तो तत्काल में आप इनके खिलाफ FIR दर्ज कराइए। ये हमारी लीगल लड़ाई अब इस प्रकार से एक्शन में आएगी और FIR पेश कर दी। राजस्थान ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र स्वामी और आध्यात्मिक गुरु रामेश्वरन महाराज के निवास पर उनसे बातचीत हुई। बातचीत के दौरान काफी मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें खासतौर से वर्तमान हालात और देश की राजनीति पर भी चर्चा की गई। आने वाली जो केंद्र की सरकार है उसे लेकर के भी विमर्श किया गया। कुल मिलाकर के आने वाली 6 मई को लोकसभा चुनाव है और इस चुनाव के मद्देनजर आम लोगों से रामेश्वरन महाराज ने अपील की कि देश को मजबूत बनाने के लिए हर व्यक्ति को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। आइए हम आपको दिखाते पहले शिष्टाचार मुलाकात की। एक व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़े
इस क्रिया को मुहिम को लेकर के मेरे पास इससे दुख होता है। मेरे कोई बंदा मुझे आके कहता है गुरुदेव मेरे, वो समाज एक दृढ़ समाज को उन्नत कर सकता है, समाज की परम आवश्यकता है। मैं तो लोगों को कहता हूं मैं इंग्लिश का विरोधी नहीं हूं, मैं आंग्ल भाषा का विरोधी नहीं हूं, स्वामी में प्रयोग कर रहा है। हम ये चाहते हैं आंग्ल भाषा अंग्रेजी हो जरूर, लेकिन हमारे भारतीय दर्शन की मौलिकता, हमारे भारतीय दर्शन की जो सामंजस्यता, हमारे भारतीय दर्शन का जो गहराई थी विचारधारा होगा। मैं चाहता हूं, ऐसी अपेक्षा रखता हूं आपसे कि कुछ आगे बढ़े, समाज को दिशा मिले, लेकिन जो अपनी कमी को ये प्रजातंत्र में लोकतंत्र में एक बड़ा उत्सव है, एक बड़ा फेस्टिवल है, उत्साहवर्धक होकर के और अपने निर्णय को लेकर, अपनी आत्मा की बात को सुन करके, अपने आत्मा की आवाज को सुन करके, पार्टी की बात नहीं, उस तरह से कि ये जनप्रतिनिधि बन करके ये व्यक्ति हमारा काम करेगा, एक समाज को दिशा देगा और इसका जो वर्चस्व होगा, ये जो प्रतिनिधित्व करके आगे आएगा, तो व्यक्ति समाज के लिए बड़ा स्तंभकारक पुरुष होगा। इस मुलाकात के पश्चात हमने बातचीत की रामेश्वर महाराज से और मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देना चाहूंगा। एक मेरी मन की बात है कि अभी आपने कहा बीकानेर, मैं बीकानेर के लिए नहीं, राजस्थान के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण वसुधैव कुटुंबम की बात करते हुए मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ पूरे भारतवर्ष को कि हमारा जो भारत है उसमें प्रजातंत्र गणतंत्र ये जो चीज़ें हैं इसका एक तरह से बड़ा महत्व है कि जिस दिन हम वोट देंगे, मतदान दिन तय हुआ है, अलग अलग जगह अलग अलग विभिन्न तारीखों में है, तो बीकानेर में हमारे अक्षय तृतीया को शायद ये मतदान का रहेगा। मैं तो बीकानेर के फिर विशेष रूप से निवेदन करना चाहूँगा, ये एक ऐसा गणतंत्र का और हमारे जनतंत्र का, ये प्रजातंत्र का एक फर्ज बनता है कि इस उत्सव के रूप में इसको मनाते हुए हर व्यक्ति, चाहे अपने किसी तरह के व्यक्ति कार्य में लगा हो, लेकिन ये अपना आप में बड़ा फेस्टिवल है, तो राष्ट्रीय फेस्टिवल है, ये एक नेशनल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय उत्सव है ये, तो बड़ भाग लेकर के एक दूसरे से प्रेरित करें, मोहल्ले मोहल्ले में नुक्कड़ सभाओं के द्वारा प्रेरित करें। और सबको आह्वान करना चाहता हूँ कि व्यस्तता एक अलग चीज होती है, कुछ काम आवश्यक भी होते हैं, तो मतदान से बड़ा आवश्यक कोई चीज नहीं होता। और मतदान के लिए भी बात कहना चाहूंगा कि मतदान उसको दे जहां अपने हृदय की आत्मा बोले कि यह व्यक्ति हमारा शहर का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे प्रदेश में ये अमुक अमुक लोग प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आए हैं, हम उन्हीं को ही जनमत दे के आगे लाएं जो हमारे राष्ट्र को सही दिशा दे सके। मैं युवाओं से, जो आज यूथ का विशेष की युवा जो चाहते हैं कि हम परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो युवाओं से भी आह्वान करना चाहता हूँ और हमारी बहन बेटियों से भी कि हम तो किचन में व्यस्त हो गई, हमारी ये अमुक कार्य हो गया, ऐसे बहानेबाजी न करते हुए मैं आह्वान करना चाहता हूँ, आप लक्ष्मियाँ हो, गृह मंत्रालय जो कहते हैं हम घर की लक्ष्मियाँ हो, आप भी सारे जो हैं आखिरी मतदान के दिन ये दे करके, इस तरह का अनुष्ठान है, अनुष्ठान का अर्थ वेदों में लिखा है अभिष्ट कार्य के लिए किया गया जो कार्य होता है उसको अनुष्ठान कहते हैं, तो मतदान ही अपना आप में एक तरह का विशिष्ट और अति महत्वपूर्ण जो है ये एक तरह का अनुष्ठान है। ये अनुष्ठान इसलिए कहलाया जाएगा कि ये कोई व्यक्ति जिसको हम वोट दे के तय करेंगे वो हमारे भाग्य का आधार लेकर के आगे चलेगा, हमारा प्रतिनिधित्व करे, राष्ट्र को देश को विकास दिशा देगा, ऐसी अपेक्षा करते हैं। और चलते चलते डालते हैं नजर आज की खास खास खबरों पर। गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में मसीह आराधना में लगा मेडिकल चेकअप कैंप। और सर्किट हाउस की दीवारों पर राजस्थानी लोक संस्कृति के चित्र दिए जा रहे हैं। बीकानेर के क्राउन पार्क में पत्रकारों ने सीवेज के पानी फैल जाने से एलिगेशन। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अतुल राम मेघवाल के नामांकन में खामियों को लेकर के कांग्रेस के जदयू से पूछते रहे प्रचार बाद।
आईपीएल पर सट्टा लगाते हुए सटोरियों को किया गिरफ्तार, लाखों का ऐसा बरामद, अल्पुनिया सिंह की बात। और राइट स्टेप के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र स्वामी मेरे अध्यात्मिक गुरु रामेश्वर। पहले कि हम आपसे विदा लें, हमारी अपील मत भूलिएगा, याद रखिएगा 6 मई 2019 बीकानेर के लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र के इस महात्यौहार में आपका हमारा मत बनेगा भागीदार, क्योंकि देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आप अपना वोट जरूर डालें। दिल की सुने, सही चुने, निर्भीक स्वतंत्र भयमुक्त होकर अवश्य करें मतदान। लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी वोट रूपी आहुति दें। लोकतंत्र के महापर्व में आइए दें अपना योगदान, सब करें मतदान। राइट स्टेप ग्रुप व बीकानेर अब तक द्वारा जनहित में जारी। बुलेटिन बस इतना ही। अगले बुलेटिन में गतिविधियों के साथ इसी समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, नमस्कार। एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो लें राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपनी प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं।